गुड मॉर्निंग बच्चों, तो फिर से स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल रेनबो में। बच्चों आज हम लोग केमिस्ट्री को डील करने वाले हैं, जो केमिस्ट्री आपका चैप्टर वन है, केमिस्ट्री का बच्चों जो चैप्टर वन है आपका सॉलिड स्टेट, ठीक है। आज हम लोग इस पर नजर डालने वाले हैं। हमने इसमें पिछली वीडियो में कहां तक बात की थी, तो आप लोग को आई होप याद होगा, हमने क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर ये सब देख लिया था, ठीक है। क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर देखा था, इफिशियंसी देखा था, पैकिंग फ्रैक्शन इफिशियंसी देखा था, बताया था कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज हम लोग इसके आगे के टॉपिक को डील करेंगे विथ नोट्स, नोट्स को देखते चलेंगे, ठीक है। हम करते क्या है कि नोट्स को एक्सप्लेन कर रहे हैं। अगर नोट्स आप याद रखते हो तो, अगर बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हो तो उससे ज्यादा नोट्स से आपको क्वेश्चन पूछने वाला है नहीं, ठीक है, बता दे रहा हूं। मैंने देखा हुआ है, आपको यकीन ना हो तो मैं जो नोट्स आपको बताता हूँ, जो नोट्स आप पढ़ते हो उस नोट्स को उठा लेना, उसके बाद आप मिला करके देख लेना 2009 से लेकर के 2020 तक में जो क्वेश्चन होंगे उस नोट्स में आपको जरूर मिल जाएंगे, ठीक है। जब हम लोग पूरे चैप्टर का नोट्स कंप्लीट कर लेंगे एक्सप्लेनेशन के साथ, पूरे चैप्टर को हम लोग समझ लेंगे, चैप्टर वाइज जब समझ लेंगे, तब हम लोग आएंगे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर केमिस्ट्री के, ठीक है। ऐसे हम लोग सारे चैप्टर्स के साथ करने वाले हैं, सारे सब्जेक्ट के साथ करने वाले हैं, तो याद रखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं ज्यादा टाइम ना लेते हुए। आई होप कि आप लोगों को वीडियो पूरी तरह समझ में आ गया, आप लोगों को करना क्या है। तो पहला तो रेनबो आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, इंस्टाग्राम की आईडी दिख रही होगी, आप वहां पर उसको फॉलो कर लें। अगर आप लोग को ये नोट्स लिखना नहीं है, जो आपको अभी यहाँ स्क्रीन पर दिखेगा वो आपको लिखना नहीं है, तो आप फॉलो करें और हमें वहां पर मैसेज करें। वैसे वहां पर रेनबो इंस्टाग्राम पर आपके सारे नोट्स अपलोड किए जा रहे हैं, आप वहां से देख सकते हो, ठीक है। तो आपको नोट्स मिल जाएगा, आपके पास याद करने के लिए होगा। और दूसरा काम आपको करना है कि वीडियो को आप लोगों को पूरा देखना है, कंप्लीट वॉच करना है, कहीं भी स्किप नहीं करना है। स्किप करोगे तो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ माइंड से निकल जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बच्चों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन दबा देना ताकि आपको न्यू वीडियो का अपडेट सबसे पहले मिल सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए जो हमारे नोट्स है, हमने पढ़ा था, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, सॉरी थोड़ा टाइम हो गया। चलिए तो आपने लास्ट टॉपिक आप देखे होंगे स्क्रीन पर, आप देख सकते हैं आपका जो लास्ट टॉपिक था वो था आपका पैकिंग फ्रैक्शन और पैकिंग इफिशियंसी। ये आपका लास्ट टॉपिक था जो कि हमने समझाया था, सिंपल क्यूबिक और फेस सेंटर ये सब आपको बताया गया था, इसके एक्सप्लेनेशन बताया गया था, इसका प्रूफिंग बताया गया था। आज हम लोग देखने वाले हैं इसके आगे के टॉपिक का, जो कि आपका इसके आगे के टॉपिक है बच्चों क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर, ठीक है। क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर आप लोग हम लोग देखेंगे कि हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग क्या होता है, स्क्वायर क्लोज पैकिंग क्या होता है, थ्री डायमेंशन का क्या होता है, वॉइड्स आज देखेंगे, और फिर देखेंगे कितने तरह के वॉइड्स होते हैं, फिर लास्ट देखेंगे हम लोग डिफेक्ट देखेंगे, ठीक है, सॉलिड का डिफेक्ट देखेंगे, उसके बाद फिर चैप्टर आप लोग का कंप्लीट हो जाएगा दो क्लास में। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए क्लोज्ड पैक स्ट्रक्चर आप स्क्रीन पर देख सकते होंगे, स्क्रीन पर आपका लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं क्लोज्ड पैक स्ट्रक्चर कहता है बच्चों, फॉर द क्लोज्ड पैक स्ट्रक्चर इन वन डायमेंशन। क्लोज पैक स्ट्रक्चर कितना डायमेंशन में, वन डायमेंशन। अभी तक हम लोग डायमेंशन पढ़े हैं, आप लोग याद होगा 1D, 2D, 3D, यही पे पढ़ रहे हैं, यही पे हम लोग को पढ़ना भी है। तो कहता है फॉर क्लोज पैक स्ट्रक्चर इन वन डायमेंशन अ सेंट्रल एटम रिक्वायर मिनिमम ऑफ टू एटम। कह रहा है कि अगर क्लोज पैक स्ट्रक्चर बनाना है वन डायमेंशन में अगर क्लोज पैक स्ट्रक्चर बनाना है, तो उसके लिए सेंटर में जो एटम होगा, जो भी क्लोज पैक स्ट्रक्चर बना सेंटर में जो एटम होगा, सेंटर के एटम के साथ उसको दो एटम चाहिए, रिक्वायर होता है उसको दो एटम चाहिए, किसके लिए, ताकि वो कोऑर्डिनेशन नंबर इक्वल हो सके टू के, कोऑर्डिनेशन नंबर इक्वल आ सके टू के, तब जाकर के वो क्लोज पैक स्ट्रक्चर आपका बन जाएगा। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर जो आपका दिख रहा होगा, एक है आपका वाई, एक वाई डैश है, आप देख सकते हैं बीच में सेंट्रल एटम है, फिर आपका एक ऊपर से एक नीचे से, ठीक है, वन डायमेंशन के लिए एक एक्स है, फिर एक एक्स डैश है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, जो कि सर्कल बना करके दिया गया है। अब इसी को किया गया फॉर टू डायमेंशन के लिए, तो टू डायमेंशन में ध्यान दीजिएगा दो तरह के क्लोज पैक स्ट्रक्चर, एक आपका स्क्वायर क्लोज पैकिंग और दूसरा हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। स्पीड अगर थोड़ी ज्यादा लग रही होगी समझाने की तो हमें कमेंट करना, ठीक है, स्पीड अगर ज्यादा है तो बताइएगा, क्योंकि मुझे लग रहा है शायद ज्यादा है। चलिए तो हमने पढ़ा क्लोज पैक स्ट्रक्चर वन डायमेंशन के लिए कि अगर क्लोज पैक स्ट्रक्चर वन डायमेंशन में चाहिए, तो जो सेंट्रल एटम है, जो सेंट्रल एटम है आपका, जो सेंट्रल एटम है उसको
सेंट्रल एटम को दो एटम्स और चाहिए, दो एटम्स उसको और चाहिए क्लोज्ड पैक स्ट्रक्चर बनाने के लिए, जो कि आप फिगर स्क्रीन पर देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं, ये तो हमारा हो गया वन डायमेंशन के लिए। अब टू डायमेंशन का क्या होता है, टू डायमेंशन में आप ध्यान से देखेंगे, टू डायमेंशन क्या कहता है, टू डायमेंशन कहता है स्क्वायर क्लोज पैकिंग में पहला आपका है स्क्वायर क्लोज पैकिंग, दूसरा आपका हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ठीक है, तो चलिए क्या कहता है, इन दिस टाइप ऑफ क्लोज पैकिंग अ सेंट्रल एटम इज स्टैक्ड बाय अनदर फोर एटम्स। देखिए स्टैक्ड कहने का मतलब लेयर्ड, स्टैक कहने का मतलब बच्चे लेयर, जो आपका सेंट्रल एटम है वो लेयर होता है, यानी कि वो ढका होता है चार और एटम्स के साथ। टू डायमेंशन की बात की जाए स्क्वायर क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर में, जो आपका अगर स्क्वायर क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर बनाना है तो उसके लिए आपको एक सेंटर एटम लेना है, उसके साथ जो लेयर बनाए वो चार एटम्स होना चाहिए, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। टू हैव कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ फोर, जो कि कोऑर्डिनेशन नंबर चार बना दे। द स्टैकिंग पैटर्न इन दिस टाइप ऑफ क्लोज पैक स्ट्रक्चर इज ए ए ए टाइप, और इसमें जो आपका जो क्लोज पैक स्ट्रक्चर में होता है इसमें जो पैकिंग आपका जो टाइप होता है वो होता है ए ए ए ट्रिपल ए टाइप। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इसकी फिगर आपको दिख रही होगी, फिगर कुछ इस प्रकार से है, देख सकते हैं तो ए ए ए डैश आपका दिख रहा है, एक तरफ एक्स डैश है, एक है फिर एक तरफ वाई है, फिर एक तरफ वाई डैश है, और कोऑर्डिनेशन नंबर आपका इसका दिख रहा होगा चार। चलिए आते हैं हेक्सागोनल, हेक्सागोनल तो आप जानते हैं अच्छे से, तो उसी पर समझना है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर क्या होता है। तो देखिए हम ये नोट्स आपको बताते चल रहे, अगर नोट्स याद हो गया तो अगर सीबीएसई तो 60% के, लेकिन बिहार बोर्ड है तो आपका 90% चांसेस, क्या 90% बहुत ही होते हैं, 90% आपका नोट से ज्यादा पूछने वाला है नहीं, तो याद रखिएगा। चलिए क्या कहता है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, इन दिस टाइप ऑफ क्लोज पैकिंग अ सेंट्रल एटम इज स्टैक्ड बाय, इसमें क्या होता है कि छह, एक सेंट्रल एटम तो होगा, अब सेंट्रल एटम लेयर लेयर चढ़ा होगा छह एटम्स के साथ, कितना एटम्स के साथ, छह एटम्स के साथ। क्या पढ़े हम लोग, पहले देखिए तीनों देख लेते ध्यान से, जो वन डायमेंशन में था यानी कि वन डी में था उसमें चाहिए था हमें एक एटम, एक सेंट्रल एटम और उसके साथ फिर दो एटम्स। ठीक है, फिर हमने पढ़ा टू डी में, टू डी में दो तरीका था, पहले स्क्वायर में पढ़ा तो स्क्वायर में देखा कि एक सेंट्रल एटम ठीक है और उसके साथ फोर एटम्स। ठीक है, फिर हमने 2D में ही पढ़ा लेकिन वो हेक्सागोनल में पढ़ा, तो हेक्सागोनल में पढ़ा कि एक सेंट्रल एटम उसके साथ सिक्स एटम्स। ठीक है, तो ये हमने देखा, शायद आपको ऊपर दिख नहीं रहा होगा तो मैं नीचे बता देता हूं, वीडियो कट गई होगा, आई एम सॉरी, तो देखिए फिर से मैं नीचे बता देता। देखिए 1D में हमने पढ़ा, क्या पढ़ा 1D में हमने पढ़ा कि एक सेंट्रल एटम के साथ दो एटम्स होना चाहिए, ठीक है, ताकि कोऑर्डिनेशन नंबर बन जाए मेरा दो। फिर 2D में पढ़ा, वो भी स्क्वायर का पढ़ा हमने, स्क्वायर का कि एक सेंट्रल एटम के साथ चार एटम्स ताकि आपका कोऑर्डिनेशन नंबर बन जाए चार। फिर 2D की ही बात करें तो इसमें हेक्सागोनल में हमने पढ़ा, हेक्सागोनल में हमने पढ़ा कि एक सेंट्रल एटम उसके साथ छह एटम्स, ठीक है, ताकि कोऑर्डिनेशन नंबर हमारा कितना बन जाए, छह बन जाए। तो ये आपका कहता है हेक्सागोनल में। ठीक है, द स्टैकिंग पैटर्न इन दिस टाइप ऑफ क्लोज पैक स्ट्रक्चर इज ऑफ ए बी ए टाइप्स। ये याद रखिएगा, ये पूछता है कि आखिर आपका स्क्वायर क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर में किस टाइप का क्लोज पैक स्ट्रक्चर होता है, तो स्क्वायर वाले में ए ए ए टाइप और हेक्सागोनल में आपका ए बी ए टाइप होता है। ठीक है, याद रखेंगे। तो ये था हमारा क्लोज पैक स्ट्रक्चर। अब है आपका फॉर थ्री डायमेंशनल, थ्री डायमेंशनल की बात की जाए तो थ्री डायमेंशनल में आपका दो तरीके पढ़ना है, क्यूबिक क्लोज पैक, क्यूबिक क्लोज पैकिंग आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, और दूसरा है आपका हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग एससीपी। एक है आपका सीसीपी, एक है एससीपी। तो चलिए हम लोग पहले देख लेते हैं सीसीपी क्या है, क्यूबिक क्लोज पैक। तो कहता है आपका इन दिस टाइप ऑफ क्लोज पैकिंग अ हेक्सागोनल इन टू डायमेंशन इज स्टैक्ड बाय थ्री एटम। कह रहा है कि अगर क्यूबिक की बात की जाए, देख सकते, देख आराम से देखते रहेगा, कॉन्सेंट्रेशन बनाए रखिएगा, भंग कीजिएगा तो दिक्कत होने वाला है बच्चों। ठीक है, देखिए कह रहा है अगर क्यूबिक क्लोज पैकिंग की बात की जाए तो इसमें जो एटम्स होगा ये तीन एटम लेयर होगा, ठीक है, जो कि फ्रंट फेस से तीन एटम से आगे और तीन एटम पीछे से जो कि ढका हुआ होगा। ठीक है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं जो कि डायग्राम कैसा है। कहने का मतलब हुआ कि
ये जो बनेगा ये कुछ इस प्रकार से बनेगा कि ये देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, एक दो तीन, ठीक है, ये तीन आइटम है, तो उसपे एक ऐसे ढकेगा, एक सामने से, दूसरा फिर देखिएगा ये आपका ए हो गया, ठीक है। बी हम लोग बनाते हैं तो बी क्या होगा कि बी का जो कुछ आपका इस तरीके से डायग्राम बनेगा, सॉरी, ठीक है, तो बी का जो बनेगा ये कुछ आपका इस तरीके से बनेगा, जो कि हेक्सागोनल आपका बनना चाहिए, तो ये इस तरीके से बनेगा और ये हो गया आपका बी। सी में आ जाए तो यही रहेगा, ठीक है, लेकिन अब इसमें पीछे से रखा गया, तो ये जब आप एक के ऊपर एक रखोगे तो ये आपका बनेगा क्यूबिक क्लोज पैक स्ट्रक्चर, जो कि तीन आइटम्स आगे से, तीन आइटम्स पीछे से, ठीक है, तीन आगे से रखना है तीन आइटम्स आप लोग को, और तीन आपको बैक साइड से रखना है, ठीक है, हेक्सागोनल के, तीन आगे से तीन पीछे से, ठीक है, याद रखेंगे। तो आपका जो कोऑर्डिनेशन नंबर आपका बनेगा वो टोटल आपका इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर बनेगा आपको 6 6 + 3 + 3, इसमें कितना बना हम लोग देखिए, इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 6 बना, इसमें 3 बना, इसमें 3 बना, तो टोटल हमारे कितने हो गए, इसमें 3 बना, इसमें हम लोग का 6 बना, इसमें हम लोग का 3 बना, तो टोटल हम लोग के 12 हो गए कोऑर्डिनेशन नंबर, हम लोग का हो गए 12 कोऑर्डिनेशन, हम लोग कितना हो गया बच्चों 12, ठीक है। तो ये था आपका, और इसका जो टाइप होता है ये आपका टाइप होता है ए बी सी टाइप होता है, याद रखें क्लोज पैक स्ट्रक्चर इसका ए बी सी टाइप होता है, ठीक है, समझ गए। तो चलिए लास्ट है आपका हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग पे ही आपका जो वीडियो होगी कंप्लीट कर दी जाएगी, थोड़ा सा टाइम कम है हमारे पास, यही आज का लास्ट टॉपिक होगा, तो लास्ट टॉपिक इसको अच्छे से समझ लीजिए कि हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग होता क्या है, ठीक है, लास्ट टॉपिक है ये। चलिए देखिए कहता क्या है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में, यानी कि एचसीपी में, इन दिस टाइप ऑफ क्लोज पैकिंग अ हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर ऑफ टू डायमेंशन। इसमें क्या होता है कि हेक्सागोनल क्लोज पैक ऑफ टू डायमेंशन, टू डायमेंशन का हेक्सागोनल क्लोज पैक, तो पहले हम लोग बना लेते हैं, ठीक है, ये बना, फिर हम लोग हेक्सागोनल का एक बनाएंगे, तो हेक्सागोनल का आप लोगों को पता होगा, सॉरी, हेक्सागोनल हम लोग को बनाना है, तो हेक्सागोनल बनाने के लिए हम लोग को पता है 6 लेते हैं, ठीक है, तो हमारा ये बना हेक्सागोनल। तो एक तो था हम लोग का कि पता है कि एक आगे से डालना है और एक हम लोग का पीछे से डालना है, ठीक है, सॉरी ये गलत हो गए, तो ये हमारा ए, ये हमारा बी और ये हमारा सी, ये हेक्सागोनल सेम है जो कि हमारा क्यूबिक क्लोज पैकिंग था। तो इसमें क्या था कि ये दोनों सेम है, देखिए ये दोनों आपका सेम बनेगा, ये जो दोनों होगा गलत बन गया था, ये दोनों आपका सेम बनने वाला है, ठीक, ये दोनों आपका सेम बनेगा, ए बी और ये ए, ठीक है। क्यूबिक में क्या था, तीनों अलग अलग बना था, लेकिन हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में आपका ए बी ए बनेगा, जो कि तीन आइटम्स आगे से, तीन आइटम्स पीछे से, और इसमें भी आपका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो आपका इसका 3, इसका 6 इसका 3, तो हो गया टोटल 12, कोऑर्डिनेशन नंबर आपके 12 हो गए, ठीक है, याद रखेंगे। तो यही था आपका क्लोज पैकिंग, आप इसको देख सकते हैं स्क्रीन पर। तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो समझ में आई होगी, आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में कवर अप करेंगे, वॉइड्स को देखेंगे, वॉइड्स को हम लोग कवर अप करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग इसको क्या करेंगे कि पूरे को नोट कर लेंगे, जो आपका नोट्स दिखा उसको पूरे को नोट कर लेंगे, उसके बाद इसको याद कर लेंगे, ठीक है बच्चों। आई होप कि आप लोगों को वीडियो समझ में आएगा, वीडियो में कोई डाउट रह गया हो, कोई दिक्कत हो गया हो तो हमें कमेंट कर देना, हम उसको ऐसे कोशिश करेंगे समझाने का, उसको बताने का। और रेनबो को फॉलो कर लें इंस्टाग्राम पर, ताकि आपको नोट्स मिल जाए, नोट्स बहुत ही जरूरी है, बिना नोट्स के आप क्या करोगे, कुछ भी नहीं कर सकते। तो फॉलो कर लें आप रेनबो को, और आप अपना बहुमूल्य समय हमारे चैनल को, हमारे वीडियोस को देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से मिलेंगे हम लोग को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे होम स्टे सेफ, और कोरोना से बचकर रहें। मैं ये मास्क बनाकर पहन करके वीडियो बनाता हूँ, ऐसा इसलिए कि जब तक कोरोना रहेगा तब तक मैं ये मास्क पहन करके वीडियो बनाऊंगा, ताकि आप लोग इसे संभल कर रहें, ताकि समझें, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तो स्टे होम और स्टे सेफ, पढ़ते रहें, जितना हो सके ऑनलाइन पढ़ें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।